भूमिका कैसे हैं आप लोग, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है आपको थंबनेल टाइटल लेके पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे। तो आज मैं लेके आई हूँ अगेन आपके लिए ड्रेसेस हॉल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ट्रेंडी ड्रेस, 6 जो ट्रेंडी ड्रेसेस है वो मैं ड्रेसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स, अभी चलने वाली है अमेजन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि स्टार्ट हो रही है 8 अक्टूबर से। और अगर आप प्राइम मेंबर हो तो आपकी जो सेल है वो स्टार्ट हो जाएगी 7 अक्टूबर से, जिसमें कि आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। SBI के कार्ड पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हो, वीडियो पसंद आते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन है ना, इसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, जो आज की फर्स्ट ड्रेस है वो है ये, दिस इज फ्रॉम ब्रांड साइन लेटेस्ट कलेक्शन। अगर मैं इस ब्रांड की बात करूं तो इस ब्रांड की क्लोथ मैं बहुत सारे परचेज कर चुकी हूं, बहुत सारे कपड़े का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। इनके जो क्लॉथ रहते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये आज की ड्रेस कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड नेक दिया गया है और यहाँ पर एक बटन दी गई है, बस इतना ही ओपनेबल है एक बटन के लिए, अदरवाइज ये सारी जो बटन दी गई है जस्ट शो के लिए दी गई है। अगर हम स्लीव्स की बात करें तो ये एल्बो स्लीव्स दी गई है, स्लीव्स पे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिल टाइप का मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पर इलास्टिक दी गई है। और सबसे अच्छी बात ये है ना, इसकी इलास्टिक ना चुभती नहीं है, जैसे इलास्टिक होती है ना चुभती सी है, बिल्कुल भी नहीं चुभती है। पहनने पे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा प्रिटी लग रही है। यहाँ पर आपको कमर पे यहाँ पर आपको अगेन इलास्टिक मिल जाएगी और यहाँ पर आपको दो पॉकेट मिल जाएंगे, अगर आपको मोबाइल वगैरह रखना है या कैश वगैरह रखना है, की वगैरह रखनी नहीं है तो दो पॉकेट दिए गए, आराम से इजिली कुछ भी रख सकते हो। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये नी लेंथ एवर ड्रेस है, बैक साइड से कुछ इस तरह से दी गई है, पूरा मल्टी कलर है, बहुत प्रिटी से लग रहा है। कलर इसमें बहुत प्यारे प्यारे से दिए गए और बहुत प्यारी सी ये ड्रेस है, मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप। अगर हम इसके क्लॉथ की फैब्रिक की बात करें तो ये जो कॉटन ब्लेंड टाइप का फैब्रिक होता है ना, जो थोड़ा सा पॉलीक्रेप मिक्सअप टाइप का फैब्रिक होता है, वो वाला इसका फैब्रिक है, काफी ज्यादा अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हो, गेट टुगेदर है, अगर आप कहीं वेकेशन पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर घर में अगर आप मैक्सी वगैरह वेयर करना नहीं चाहते, फिर लॉन्ग गाउन वेयर करना नहीं चाहते, तो आप इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी होती है और काफी ज्यादा प्रिटी होती है। आप किस अगर आप ऐसा ड्रेस वेयर करना चाहते हो, ऐसा ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ मरून कलर का लेगी भी वेयर करेंगे तो आपका पूरा ये ड्रेस रेडी हो जाएगा, तब भी ये बहुत प्रिटी से लगेगा। तो ये है आज के हॉल की फर्स्ट ड्रेस, जो कि मेरी तरफ से एकदम थम्स अप है। अगर आप परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। इसे मैंने परचेस किया था अंडर ₹400, अभी जो भी प्राइस लगी मैं इसमें भी मेंशन कर दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मैंने नेक्स्ट ड्रेस परचेस की है वो है, मैंने ये परचेस की है ये वाली ड्रेस, दिस इज फ्रॉम ब्रांड लेम्यू। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से ड्रेस है, बहुत प्यारी सी। अगर हम इसकी नेक की बात करें तो ये किस इस तरह से इसका नेक दिया गया है और ये देख सकते हैं बलूनिस वाली इसकी स्लीव्स दी गई है, यहाँ पर इलास्टिक दी गई है, इलास्टिक बहुत सॉफ्ट वाली है तो बिल्कुल भी चुभेगी नहीं आपकी आर्म्स पर, तो कुछ इस तरह से है ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा ये स्ट्रेचुअल मिल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेचुअल है। इसमें जो मेरा साइज है वो है मीडियम, अगर आपका साइज एग्जैक्ट जो भी है वही परचेज करना। मेरा साइज वैसे तो लार्ज है बट ये मुझे मीडियम भी बिल्कुल फिट आ रहा है बिकॉज ऑफ ये इलास्टिक, यहाँ पर ये इलास्टिक है, इसकी वजह से ये मेरा जो साइज है ना बिल्कुल फिट सा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से लोअर साइड में आपको इस तरह से ट्राई में आप देख सकते हैं, लोअर साइड में आपको इस तरह से लेयर लेयर मिल जाएगी और लास्ट में बहुत प्यारे से फ्रिल मिल जाएगी। इसका जो कलर है वो है लेवेंडर कलर, जो कि बहुत प्यारा सा है, बहुत प्रिटी सी लग रही है। और इसका जो फैब्रिक है वो है सिंथेटिक फैब्रिक, इस वाले फैब्रिक पे कभी भी आयरन वगैरह करने की नीड नहीं होती, आराम से इस कपड़े को वॉश कर सकते हो, काफी ज्यादा प्रिटी लगता है। और इसको पहन के ना एकदम बार्बी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी है। लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो नी लेंथ एवर हो रही है और साइज के अकॉर्डिंग लेंथ थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये है आज के हॉल की सेकंड ड्रेस, जो कि काफी ज्यादा प्रिटी है, काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप इसे ले सकते हो। तो फ्रेंड, जो मैंने नेक्स्ट ड्रेस परचेस की है वो मैंने परचेस की है लाइट पैरेट कलर में ड्रेस, फ्रॉम ब्रांड सेल्विया। ये ड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड में मैं पिक मेंशन कर दूंगी, साइड में यहाँ पर ना जस्ट कमर की साइड में कट दिए गए थे और इसकी जो स्लीव्स है ना वो फ्रिल वाली स्लीव्स थी, इसलिए मैंने इसे परचेस किया था। बट मैं आपको बताऊं, लिटरली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब ये जो कट है ना वो बिल्कुल आपके ऊपर तक आ रहे हैं और अगर आप ब्रा वगैरह जो अंदर बियर किए हो वो ब्रा बिल्कुल क्लियरली विजुअल हो रही थी इस ड्रेस को बियर करने के बाद में, इसलिए मैंने इस ड्रेस का ना ही ट्राई ऑन बनाया है, मेरा इसका ट्राई ऑन बनाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ बिकॉज जब मैंने इसे ट्राई करके देखा तो फिटिंग वगैरह सब अच्छी थी, फिर बहुत प्यारी लग रही थी, बट जो ये जो कट है ना जिसकी वजह से मैंने ये ड्रेस को परचेज किया था, देखिए कितनी सुंदर है, सुंदर है, अच्छी है, बट मैं अनकंफर्टेबल थी तो इसलिए मैंने इसका ट्राई ऑन सूट नहीं किया। ये मैंने ड्रेस की थी जस्ट फॉर ₹199 में,
तो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप ये वाली ड्रेस देख के देखना चाहते हो, सोच रहे हो कि मैं ये वाली ड्रेस परचेज करूं, तो बिल्कुल भी मत परचेज कीजिएगा, मेरी तरफ से इसके लिए बिग नो है। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस है वो मैंने परचेज की है, रेड कलर की प्रिटी सी ड्रेस। इसे हम रेडविश नहीं बोलेंगे, इसे रेडिश मरून कलर बोलेंगे। अच्छा अगर हम इस ड्रेस की बात की जाए तो ये ड्रेस ना मेरी तरफ से एकदम थम्स अप है, बहुत प्यारी सी है। साइज की बात की जाए तो इसमें जो मेरा साइज है वो है एक्सल साइज। मेरे सारे ड्रेसेस हैं जिसमें मेरा साइज एक्सल है, बस एक जो लेवेंडर कलर है उसमें छोड़ के। मैं एक साइज जो सिंथेटिक क्लॉथ की ड्रेसेस होती है ना उनमें एक साइज अप करके ही परचेज करती हूँ, बिकॉज ये वाली ड्रेसेस ना बॉडी क्रैम ड्रेसेस होती हैं तो थोड़ा चिपक जाती हैं। अगर आप एक साइज अप करो, अप करके परचेज करते हो तो ये आपको एकदम फिट आती है और इसमें अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम ड्रेस की बात करें तो ये देखिए, दिस इज फ्रॉम ब्रांड सेल्विया। राउंड नेक दिया गया, स्लीव लेस है ये, बट स्लीव पे यहाँ पर आपको एक फ्रिल मिल जाएगी जो कि बहुत प्यारी सी लग रही है। जैसा पिक में दिया गया था बिल्कुल वैसी ही मुझे ये रिसीव हुई है। इसमें आपको बहुत सारे कलर अवेलेबल मिल जाएंगे। मुझे ये पर्सनली रेडिश मरून पसंद आया था इसलिए मैंने इसे परचेज किया। तो ये कुछ इस तरह से है, लोअर साइड में आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। सबसे अच्छा इसका जो वो है ना, ये देखिए लोअर साइड में आपको पूरा ये फ्रिल मिल जाएगा, जैसे फिश कट होता है ना, एकदम लुक लाइक फिश कट की तरह लग रही है। वो बहुत प्यारी सी लग रही है, बहुत ही प्यारी सी। वेयर करने पे एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा था, इसको वेयर करने पे लग ही नहीं रहा था। अगर आपका बर्थडे है, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, गेट टुगेदर है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। या फिर आप ऐसे ड्रेसेस पहनने के शौकीन हो और आप सोच रहे हो मुझे कुछ सस्ते में अच्छी ड्रेस मिल जाए तो आप भी इसे ले सकते हो। मैंने इसे परचेज किया था 299 रुपीज में। अभी जो भी प्राइस रहेगी मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आज के हॉल की 4 ड्रेस जो कि मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेड है, मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए, आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो मैंने नेक्स्ट ड्रेस परचेज की है वो मैंने परचेज की है अगेन ये लेवेंडर कलर की ड्रेस। ये वाली ड्रेस आप देख सकते हैं, ये वाली ड्रेस मैंने इसलिए परचेज की थी बिकॉज इसके शोल्डर देख के, इसके शोल्डर कितनी ज्यादा प्रिटी है और देखने में कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। बट इससे भी मेरा ना जो मूड है ना पूरा ऑफ हो गया इसको जब मैंने वियर किया। जो शोल्डर थे ना वो इधर उधर भाग रहे थे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, एकदम अनकंफर्टेबल थी। इसलिए मैं इसका ट्राई ऑन जो सूट नहीं किया, बिकॉज ऑफ जब मैं ये जो शोल्डर है ना जो साइड में ऐसे लाइक में आप पिक में देख सकते हैं साइड में कितने परफेक्ट दिख रहे हैं, जब मैंने इनको वियर किया तो पूरा शोल्डर नीचे जा रहा था और फ्रंट का पोर्शन है वो बिल्कुल मतलब बियर्ड सा लग रहा था, जिसको बियर करने के बाद ना बड़ा बियर्ड सा लग रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसलिए मैंने इस वाली ड्रेस को रिटर्न कर दिया। ये वाली ड्रेस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जब भी आप इसे देखें और परचेज करने की सोचें तो बिल्कुल भी परचेज ना करें, मेरी तरफ से इसके लिए बिग नो है। और हाँ ये वाली ड्रेस जस्ट 172 रुपीज मैंने परचेज की थी, मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं, बट मेरी तरफ से इसके लिए बिग नो है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मेरी ड्रेस है ये वाली, इसका देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ड्रेस है। दिस इज फ्रॉम ब्रांड पूर्वजा ब्रांड की ड्रेस है। ये देखिए जैसा पिक में दिया गया था वैसे ही मुझे ड्रेस रिसीव हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से इसका राउंड नेक है, एकदम ऐसे बंद वाला है, बट आपको इसको वेयर करने के बाद ऐसे नहीं लगेगा जैसे आपने कुछ फंसा रखा है गले में। ये देख सकते हैं इसका नेक कितना ज्यादा मतलब एकदम कंफर्टेबल है, इजिली आपके गले में चला जाएगा ड्रेस। इसकी स्लीव्स की बात करें तो इसकी फुल स्लीव्स है, स्लीव्स पे यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर में जाएगा। एकदम बॉडी कॉन फिटिंग वाली ड्रेस है जो कि काफी अच्छी है। इसमें भी जो मैंने साइज परचेज किया है वो मैंने एक्सल साइज परचेज किया है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बॉडी कॉन ड्रेसेस होती है वो एकदम फिट आती है। जिनको बिल्कुल फिटिंग वाली ड्रेसेस पहनना पसंद है वो तो परचेज कर सकते हैं एक्चुअल साइज, बस जिनको थोड़ी सी लूज ड्रेसेस पहनना पसंद हो वो एक साइज आप करके ही परचेज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव्स दी गई जो कि बहुत ही प्यारी एकदम बॉडी कॉन फुल ड्रेसेस है। अगर आप किसी पार्टी में जाने की सोच रहे हो या बर्थडे में परचेज करने की सोच रहे हो या फिर गेट टुगेदर में कहीं जाना है, फंक्शन है, या फिर आप इस तरह की ड्रेसेस वियर करना पसंद करते हैं डेली वेयर में या कैजुअल वेयर में, तो आप इन्हें डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। ये आप ऑफिस में भी एज अ ड्रेस पहन के जा सकते हो क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो कुछ इस तरह से ये ड्रेस, पूरी ड्रेस में इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा जिसे हम लेपर्ड प्रिंट बोलते हैं, लेपर्ड प्रिंट मिल जाएगा। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पूरी बॉडी कॉन ड्रेस है, लेंथ भी काफी अच्छी है, फिट भी काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत प्रिटी सी लग रही है और बहुत सॉफ्ट सी। इसका जो फैब्रिक है ना आपको थोड़ा बीटेड लगेगा, लाइक आप जब भी इसे ओपन करोगे आपको ये रिसीव होगी, अगर आप इसे परचेस करोगे तो थोड़ा सा वजन इसमें लगेगा, बट क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत सॉफ्ट सा है। इसे पहन के ना बिल्कुल गर्मी वगैरह फील नहीं हो रही थी, काफी ज्यादा लाइट लग रहा था, थोड़ी कुछ इस तरह से है। ट्राई ऑन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वेयर करने पे कैसी लग रही है। तो ये है मेरे हॉल की लास्ट ड्रेस।
तो आई होप फ्रेंड कि आपको मेरा ये ड्रेसेस हॉल पसंद आया हो। इसमें से आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आपको माय हॉल का लिंक भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और मेरे साथ में शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो वॉच कीजिए, वीडियो वॉच करने के बाद में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो वॉच कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।